तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से सवाल करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि हम अगर नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ मिलता है? देखो, गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इस वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप करने से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और गायत्री मंत्र का जप करने से चेहरे का तेज बढ़ जाता है और मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट मजबूत होता है, तनाव और डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री मंत्र के नियमित जप से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी आप बिना अनुष्ठान में रहे कर सकते हैं। वैसे गायत्री के लिए विधा है, गायत्री के लिए विधा ये है कि इसको सूर्योदय के समय, सूर्यास्त से पहले, और यदि आप त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या का मतलब सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। इसे साधु सन्यासी ही करते हैं, गृहस्थ जीवन के लोगों को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के लोगों को केवल दो संध्या करनी चाहिए, प्रातः संध्या, सायं संध्या। प्रातः संध्या जो होती है वो सूर्योदय के समय होती है, सायं संध्या जो होती है सूर्यास्त से पहले होती है। तो गायत्री मंत्र का जप रात्रि में करने का शास्त्रों में निषेध भी किया गया है। गायत्री का मंत्र सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय के समय कर लेना चाहिए। अगर इस विधा से इस गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया जाए तो ये गायत्री मंत्र कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।